नमस्ते जम्मू परिवर्तन दिखा तो उसते मैं तुंदा अपना प्रापरी शिव विरागी अखनूर साढ़े नगर वासियों ताई एक बड़ी क्या अच्छी खुश खबरी है। एक माई टाउन माई प्राइड के तहत एक बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम जिहड़ा अखनूर के कामेश्वर मंदिर के परिसर के बच्चों आ रहा है। अस जानकारी लगे साढ़े यू अखनूर सर स्वागत आपका। सर मेरा नाम रविंदर शर्मा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी अखनूर। सर अब सब लोगों को पता है कि माई टाउन माई प्राइड यहाँ पर शुरू हो गया है। हमारा यहाँ पर जन अभियान 28 तारीख से शुरू हो गया है और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने अपनी जो स्कीम है उनको लेकर लोगों के सामने रखेंगे, लोग उसका लाभ उठाएं, जितने लोग आ सकते हैं उसमें हिस्सा लें। सर अप्रॉक्सीमेटली कितने डिपार्टमेंट होंगे यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेटली आज मेरे ख्याल को 10-12 हैं, 15-20 कम से कम जो इस रिलेटेड यहाँ पर हो जाएंगे। कुछ लोग आए भी नहीं आज हमारे पास, 12-13 डिपार्टमेंट हैं वो कल भी आए थे आज भी आए। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि जितने लोग पार्टिसिपेट कर सकते उतना काम, क्योंकि आज डोर स्टेप पर आपको सर्विस मिल रही है जिसका कोई रिलेटेड एग्रीकल्चर रिलेटेड है, हार्टिकल्चर रिलेटेड है, दूसरे डिपार्टमेंट है जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट उनके रिलेटेड कोई है तो वहाँ यहाँ सर्विस आपको मिल जाएगी। जो कि आपको जाना पड़ता है ऑफिस में वहाँ पर नहीं, किसी को कोई सर्टिफिकेट रिलेटेड है, आधार कार्ड रिलेटेड कोई भी वो यहाँ मिलेंगी। इसलिए मैं आपके चैनल से लोगों से अपील करता हूँ जितने कम हो जितने ज़्यादा लोग आ सकते उतने आए ताकि इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको कामयाब करें। थैंक यू सर। सर कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं एग्रीकल्चर। सर आपकी तरफ से क्या फैसिलिटी आज यहाँ पे, क्या अवेयरनेस चल रही है? हमने यहाँ पे स्टार्स लगाया हुआ है, ये मशरूम सेक्शन है हमारे ज़्यादा मोस्टली, ये दूसरा टेरेस गार्डनिंग है। टाउन एरियाज़ में मोस्टली टेरेस गार्डनिंग का ज़्यादा स्कोप रहता है तो हम उनको यही अपील करते हैं कि मोस्टली ये पहले यहाँ तो यहाँ पे पब्लिकली कम है तो लोग अवेयर होंगे हम यहाँ पे आए लोग और हमसे ये जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी यहाँ पे क्वारीज है वो हमसे पूछ सकते हैं। सर आप लोन सेक्शन से हैं, सर क्या फैसिलिटी रहेंगी युवाओं के लिए, क्योंकि युवा इस वक्त जो है बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, और क्या फैसिलिटी आपकी लोन? सर मेरा ऑफिस अर्बन डेवलपमेंट ऑफिस है पनामा चौक में और हम डे न्यूलम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंडर 2-2 लाख रुपया इस टाइम हमारे पास स्कीम है वो देख कोई भी बच्चे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, क्योंकि बहुत बार देखने को लगता है कि लोन लेने के लिए पहले दौड़ना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और लास्ट में जब इग्नोर कर दिया जाता है उसको, इसके लिए क्या रहेगा? नहीं वो रिजेक्ट इसलिए होता है कि इसने बंदे ने आगे ही कहीं लोन लिया होता तो तभी रिजेक्ट होता, नहीं तो ऐसा नहीं। लास्ट ईयर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, 110 केस मैंने स्पॉन्सर किया था उसमें से 85 केस जो सेंक्शन हुए हैं। इसमें सब्सिडी वगैरह? हाँ सब्सिडी 7% इंटरेस्ट है, बेनिफिशियरी ने पेड करना है, ऊपर वाला गवर्नमेंट पेड करेगी उनको 5 साल तक। तो ये कितने डेज में मिल जाता है? ये विद इन डेज क्या 15 दिन में हो जाता है कि अगर बंदा कोई भर के दे कम्प्लीट करके। थैंक यू मैम। आप कौन सा डिपार्टमेंट? PMAY अर्बन जैन के हाउसिंग बोर्ड से। जी क्या फैसिलिटी आज क्या अवेयर कर रहे हैं आप? यहाँ पर है कि जो बेनिफिशरीज हमारे हैं PMAY अर्बन के वो आ सकते हैं, उनके कुछ इश्यूज हैं अगर ग्रीवेंसेज हैं वो आके यहाँ पर शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, तो एड्रेस किए जाएंगे एंड इसके साथ साथ जो लेफ्ट आउट एलिजिबल लोग हैं यहाँ पर वो उनको हम हमारे एज बेनिफिशरी अगर वो अप्लाई करते हैं तो हम उनको बेनिफिशरी हमारा कंसीडर करेंगे, वो प्रॉपर एक एप्लीकेशन के थ्रू होगा जिसके साथ साथ काफ़ी तीन चार फॉर्मेलिटीज रहती हैं। उसमें होगा कि उनका लैंड टाइटल क्लियरेंस होनी चाहिए प्लस उनका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए और आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की कॉपी, ये सब फॉर्मेलिटीज। कितने लोग आए होंगे आपके पास? अभी कुछ क्वेरीज आ रही हैं, साथ साथ आ रही हैं, बट आई अपील के जितने ज्यादा आए ताकि लोगों के ये माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम है ये मेन इसीलिए होता है कि जो भी लोगों के इश्यूज वगैरह हैं वो हम एड्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें इसमें और हम आगे उसको एड्रेस करें। सर कौन सा डिपार्टमेंट आपका? सर सोशल वेलफेयर। क्या आज अवेयरनेस आपकी तरफ से रहेगी? सर ये जन अभियान चल रहा है, इसमें हम लोगों को अवेयरनेस का वेरिफिकेशन कर रहे हैं और नई नई स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। लाइक एज कैसे स्कीम, किस तरह की? सर ये ओल्ड एज पेंशन, फिजिकली हैंडीकैप, विडो पेंशन वगैरह जो है, स्टेट मैरिज। सर लेकिन एक इशू आपके सोशल वेलफेयर की तरफ से आ रहा है कि आपकी जो साइटें हैं जहाँ से करते हैं लोग वो चल ही नहीं रही हैं, तो फिर कैसे होगा जी? नहीं सर ऐसा हमें तो किसी ने आज तक बताया नहीं कि साइट नहीं चल रही है।
क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जब बात करते हैं, एक इशू ये आ रहा था कि जैसे कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है उसके लिए जो है एज प्रूफ, वो क्या हुआ सर? उसके लिए एक मेडिकल ने बोर्ड बिठाया है, हर जहाँ जहाँ भी BMO बैठेगा वहाँ एक इन्होंने एक वो बोर्ड बिठाया है, इनकी एज वगैरह जो डिसेबिलिटी वगैरह परसेंटेज वगैरह वो अटेस्टेशन देंगे तो उसके बाद डिसेबिलिटी के लिए एज जो है वो कंपलसरी है। जी जी, डिसेबिलिटी के डिसेबिलिटी तो अलग चीज़ है ना, वो तो डिसेबिलिटी है मगर एज जो है अलग से उसके साथ भी एज प्रूफ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डिसेबिलिटी लोग आए थे उसके साथ में एज प्रूफ वगैरह जो अटेस्ट करके देंगे मेडिकल बोर्ड वगैरह। सर कौन सा डिपार्टमेंट है और क्या आज फिर? हम शिक्षा विभाग की तरफ से आए हैं, तो हमने भी यहाँ एक स्टॉल लगाया है, लोगों को एक अवेयर करना है कि हमारे स्कूलों में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, जैसे फ्री बुक्स है, फ्री अपने फ्री एजुकेशन के साथ साथ बुक्स, यूनिफॉर्म जो मिड डे मील दे रहे हैं, और स्कॉलरशिप SC ST OBC के लिए अलग से है, माइनॉरिटी EWS वो अलग से हमारे पास आ रही है, और उसके साथ हम बच्चों को जो स्कॉलरशिप के साथ साथ PM SSS एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसके लिए गवर्नमेंट ने 8 लाख से नीचे जो आमदनी वाले लोग हैं वो उस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं, और उनके बच्चे भारत के किसी भी राज्य में जाकर के अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। जी थैंक यू। जी मैम कौन से डिपार्टमेंट से और क्या? मैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से हूँ, तो हमारे यहाँ पे ये है कि जो भी हाथ का काम जानता हो, जैसे टेलरिंग एंड कटिंग हो गया, निटिंग हो गया, फुलकारी, कोई कढ़ाई, कोई कारपेंटर का काम करता हो, तो जो भी हाथ का काम करता हो हम उसको अपने डिपार्टमेंट से रजिस्टर करके कि उनको ये काम आता है, कि ये हमारे आर्टिजन्स हैं, तो हम उनको अप टू 2 लाख तक जो है वो डिपार्टमेंट लोन प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, सब्सिडी पे, इंटरेस्ट पे सब्सिडी है 7%। तो अगर 11 लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, जैसे लोग अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, तो 11 लोग मिलकर जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं, जिसमें इनको 1 लाख रुपए तक मिल सकता है 50,000 के इंस्टॉलमेंट्स पे, और ये इनको वापस नहीं करना है। टाउन के लिए या विलेज के लिए? नहीं, ये सबके लिए है, ये कोई भी कर सकता है, कोई वो नहीं है, और इसमें कोई वो नहीं है कि पढ़ा लिखा होगा तो वही कर सकता है, इसमें कोई भी ये कर सकता है। हाथ का आना चाहिए। हाँ आना चाहिए है। तो इसलिए एक हमारी सेल्फ जनरेशन है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और इनको हम ये फैसिलिटी देते हैं कि जैसे हमारी एग्जीबिशंस लगती हैं जो इनका सामान बन रहा है, तो उस आउटलेट पे ये बेच सकते हैं, जैसे जम्मू हाट में हमारी लगती है तो वो इनको डिपार्टमेंट ही पे करेगा रेंट वगैरह, तो इनको फैसिलिटी होगी सिखाने का, जो प्रॉफिट होगा इनका। और हमारे सेंटर्स चलते हैं जिसमें हम 1,000 जो है स्टाइपेंड पे करते हैं एलिमेंट्री सेंटर्स में, और जो एडवांस चलते हैं उसमें 1,500 स्टाइपेंड गवर्नमेंट देती है। जेड़ी फैसिलिटियां ही उन्हें अपने मुंह जवानी के दसी दी साड़ी तरफ मैसेज रहो कि अगर साढ़े खनूर बच्चे इन्ना वधिया एक सैमीनार के रूप बच्चे लगे दा ते मौके का फायदा चुकना बिल्कुल गै बनता साढ़े बच्चे। फिर एक बार यो सर, सर क्या मैसेज रहेगा लास्ट टाइम? सर मैसेज लोगों को ये रहेगा कि डोर स्टेप पर उनको सर्विस मिल रही है, और आपके चल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इसके मौके का फायदा उठाएं, जो आपकी यहाँ पर स्कीमें उसका लाभ उठाएं। सर हमने कल मीटिंग वे का हाउस में की थी अपने वार्ड मेंबर की, उनसे रिक्वेस्ट की थी अपने अपने वार्ड में जो आपके लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है किसी रिलेटेड डिपार्टमेंट को, वो यहाँ पर आ जाएं। और सर हमने एक ऑटो, मेरे 3-4 ऑटो चलते हैं बाजार में डोर टू डोर कलेक्शन, उसमें एक चिप डाली मैंने, सब लोगों को अवेयर कर रहा हूँ मैं कि आए, लेकिन लोग बड़े कम आ रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आज मैंने सर एक और डिसीजन लिया है, एक ड्रम बीटिंग करा रहा हूँ मैं पूरे बाजार में, उस उम्मीद आती कि उसको सुनकर शायद लोग आ जाएंगे, तो लोग आए सर। इस ये 5-6 दिन का जन अभियान प्रोग्राम है हमारा, इसका फायदा उठाएं, उसके बाद 6 और 5-6 को विजिटिंग ऑफिसर आएंगे, फिर उसमें जो कोई हमारी प्रॉब्लम वो हल हो जाएंगी। और यहाँ पर इतने डिपार्टमेंट है सर, कोई हर डिपार्टमेंट हमारे पास आ रहा है, लेकिन लोग आए इसका फायदा उठाएं सर। मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि आपके चैनल के थ्रू सर आप एक न्यूज चलाएं ताकि लोग आए सर, जितने से कम जितने ज्यादा आ सकते उतने आए ताकि इसका लाभ उनको मिले सर। थैंक यू। बिल्कुल, यो साहब ने अपनी तरफ एक रिक्वेस्ट की है कि अगर तुम्हें घरे के बच्चे गए इन्ना सोहना प्रोग्राम किया गया जिसका लाभ साढ़े खनूर वासी लभना है, तो मौके का फायदा अगर तुम नहीं चुको तो यह भी अपने आप बच्चे एक बेवकूफी अकलाउंदी है। तो जुड़े रहो जम्मू पर्वतरा ने, कैमरा बोबी शर्मा ने, शिव विरागी, जय हिंद जय भारत।